ये जली हुई मिठाई इस बात की गवाही दे रही है, एक दो नहीं यहाँ पे दिखाइए, ढेर सारी मिठाई यहाँ दिखाइए, ये पूरा का पूरा मिठाई और ये मिठाई का दुकान था और इसी दुकान में आग लगा और 24 घंटा के बाद आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना भयानक था कि अब भी इस चूल्हा से धुआं निकल रहा है। कल तक जिस कुर्सी पे बैठ के लोग केस कटाया करते थे, आज उस दुकान में कुछ बचा ही नहीं और ये गरीब परिवार जो है पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। इतने दुकान में आग लगा था, यहाँ पे 9 के 9 दुकान पूरा जल कर राख हो गया है, 9 का 9 खत्म हो गया, 9 दुकान में से कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं रखा। और लापरवाही किसकी इसमें सामने आई? बिजली विभाग की खाली। कहाँ से पैसा लगा किए थे जी? कहती किस्ता पर उठा के लिया किए थे, बाल बच्चा के खिलाते थे उसी में, सब कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं है, गरीब है। आपका दुकान जल के बर्बाद हो गया, आपका बाल बच्चा भी भूखे रहता होगा जी, भूखे। लेकिन इसमें किसकी गलती मानते हैं आप जी? बिजली भी है, बिजली विभाग की गलती है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कोई और लोगों का आना अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी इन लोगों से बात करके जब ये इनसे सांत्वना और अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा था तो लोगों ने कहा कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी गण हैं वो आकर के चले गए खानापूरी करके, अभी तक राहत और बचाव कार्य के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। ऊपर बिजली की तार और नीचे फूस की दुकान और बाकी इस राख को देख करके आप साफ तौर पे समझ गए होंगे कि बिजली विभाग की एक छोटी सी लापरवाही ने कुल मिलाकर के एक एक करके 9 दुकानों को बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने का मतलब यह है कि ऊपर बिजली का तार है जो 11,000 वोल्टेज का है और नीचे फूस की दुकान थी जिसमें मिठाई साइकिल मुर्गा न जाने कौन कौन सा दुकान था और शॉर्ट सर्किट के वजह से बीती रात को 11 बजे इतना भीषण आग लगा कि एक एक करके 9 का 9 दुकान जल करके राख हो गया और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, नजर सिर्फ ये आ जाएगा कि दुकान की सारी चीजें जल करके राख हो गई, खाक हो गई और मिट्टी में मिल गई। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ दिखाइए ये सैलून है, हालांकि इसमें आग तो नहीं लगा लेकिन आग के धबस के वजह से ये पूरा सैलून भी जल के बर्बाद हो गया। दिखाइए यहाँ पे, कल तक जिस कुर्सी पे बैठ के लोग केस कटाया करते थे आज उस दुकान में कुछ बचा ही नहीं और ये गरीब परिवार जो है पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। आपका सैलून है जी? क्या नाम है? भुवनेश ठाकुर। कैसे आग लग गया? आग बिजली का अथी से लग गया है। कितना का नुकसान हुआ है आपका? नुकसान वही 70,000। अभी मदद के लिए कौन आ गया है? यहाँ जो है डॉक्टर साहब आए हुए थे, बाकी सांसद विधायक कोई यहाँ पे नहीं? वो सब सीओ साहब ने कुछ मदद किया? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये परिस्थिति है, ये बदलते बिहार का बिगड़ता हुआ तस्वीर है जिसको आप देखिए। घटना का लगभग 24 घंटा से ज्यादा हो गया लेकिन अब तक राहत कार्य के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। बाकी भाई साहब है, क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या चीज का दुकान था आपका? सर साइकिल का, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग था, उसे बाहर भी दुकान था, हवा टंकी भी। कहाँ पे दुकान था आपका? यहीं पे दुकान। कल तक दुकान था? 11 बजे रात से खत्म हो गया सर। बस उस समय 11 बजे तक दुकान था लेकिन अब दुकान खत्म हो गया। खत्म हो गया। कितना का नुकसान हुआ है? 2 लाख से करीब ऊपर से। अच्छा, 2 लाख का नुकसान हुआ लेकिन आपके सांसद विधायक यहाँ के सीओ साहब किसी ने अब तक आपका कितना मदद किया है? जी कुछ भी मदद नहीं हुआ। कुछ मदद नहीं किया। अभी मदद के लिए कौन आ गया? डॉक्टर साहब आए हुए। डॉक्टर साहब आए हुए हैं। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि हम मुआवजा की राशि दिलवाने का पूरा प्रयास। देखिए अब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप इस विकट परिस्थिति में दुकानदारों के साथ यहाँ पे खड़े हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी यहाँ का दृश्य देख करके सर आपको क्या लगा? कल हमें जानकारी मिली कि बनकटवा के इस चौक पे आगजनी होने से बहुत सारी दुकानें जल के राख हो गईं, तो मैंने रात ही तय किया कि कल सुबह सुबह मैं पहुंच करके वहां लोगों की मतलब अपने देखूंगा कि क्या ये मतलब किस तरह से ये सब बातें हुई और जब पता चलेगा तो फिर उसके अनुरूप हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ आने के बाद पता ये चला कि ये बिजली विभाग की कुछ लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। 11,000 वोल्ट का एक तार ऊपर से गुजर रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। और आज से करीब कुछ दिनों पहले, लगभग मई के महीने में, 14 मई को लोग बता रहे हैं कि एक इस तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक ट्रेलर था, लेकिन लोगों ने, बिजली विभाग वालों ने उससे कोई सीख नहीं ली और अंततः परसों रात में 11-12 बजे के बीच ये घटना हो गई। और जैसे प्रत्यक्ष दर्शियों ने और दुकानदारों ने मुझे बताया कि उनका लाखों का सामान जल के सब यहाँ देख रहे हैं हम, राख हो चुका है। इन दुकानदारों का जीविका का यही एक साधन था और जो अब ये बेसहारा और दर दर भटक रहे हैं। मैंने उनसे बात भी की, अब उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है फिलहाल। और मैंने देखा कि अभी यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि पहले हम ही लोग पहुँचे हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कोई और लोगों का आना अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी इन लोगों से बात करके जब ये
इनसे सांत्वना और अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी गण हैं वो आकर के चले गए खानापूरी करके, अभी तक राहत और बचाव कार्य के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कि जो लोग भी आए अपना अटेंडेंस बनाए, यहाँ से झूठ मूठ के जो करना था किए और फिर चले गए, लेकिन राहत का कोई मतलब कागजी कार्रवाई से किसी का पेट नहीं भरेगा। अभी जरूरत था कि इनके पुनर्वास और राहत का फौरी इंतजाम किया जाता, टेंट तंबू और जो भी कुछ संभव हो सकता था प्रशासन के स्तर पे वो करना जरूरी था, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा सर, आप यहाँ पे आए गरीबों के तकलीफ को जाने, इनके दर्द को आप जाने, इनके पीड़ा को जाने, सर आगे आप क्या करेंगे इन लोगों के लिए? हम इस सवाल को उठाएंगे और जो लोग सत्ता में अभी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके पुनर्वास और राहत का काम फौरी शुरू किया जाए। शासन बाबू की सरकार है, जो कहते हैं नीतीश जी मेरा सुशासन की सरकार है, ये सुशासन नहीं दुशासन की सरकार है। इसकी सरकार में मंत्री हैं हमारे डॉक्टर शमीम साहब जो विधि मंत्री हैं, उनको तो कम से कम जब घटना हुई कोई ना कोई उनका प्रतिनिधि यहाँ से तो फोन किया होगा, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? माने कि डॉक्टर साहब को जब वो तैयारी रह के पता लग जाता है, फोन चला जाता है, उनके पास भी तो गया होगा, आना चाहिए कि नहीं? इस सीओ पर, इस बिजली विभाग पर उनको कार्रवाई करवाना चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा घटना होने के बाद यहाँ पे कोई अभी तक सुधि लेने तक नहीं आया? कोई तो नहीं आया, लेकिन डॉक्टर मंजर नसीब साहब ने मनकटवा उपखंड के धरती पर फर्स्ट बार इस आपदा के घड़ी में आए हैं, हम इनका आभारी हैं। और मनकटवा प्रखंड वासी होने के नाते इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने मनकटवा के धरती पर आ करके आज जो आगजनी हुआ है इसमें आपदा के घड़ी में इन्होंने आया है। इनको लोग भूलेगा नहीं, ये सामान याद रहेगा। डॉक्टर साहब पार्लियामेंट का चुनाव सुने हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ ये लोग काम करेगा डॉक्टर साहब के साथ, हम और हमारे पूरा मनकटवा वासी डॉक्टर साहब के साथ है। उन्होंने दुख में आप लोगों का साथ दिया है, साथ दिया अभी तक। अच्छा, क्या कहेंगे सर, इतना सारा चीज हो जाने के बाद यहाँ से बगल में सीओ साहब बैठते हैं, कुछ ही किलोमीटर के बाद विधायक का घर है, बाकी सांसद महोदय तो काफी दूर है, वो तो किसी का सुनता ही नहीं है, बाकी आप क्या कहेंगे गरीबों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होना, क्या सही है या गलत? मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया था एक माध्यम से कि ये जो जगह है बनकटवा, ये प्रखंड मुख्यालय है और इस जगह पे इस तरह की आपदा वाली घटना होती है और किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री द्वारा किसी भी प्रतिनिधि द्वारा आकर उनके दुख को देखना, उनके तबाही को देखने का कार्य किसी ने नहीं किया, क्योंकि बनकटवा आपको मालूम है मिठाई के लिए मशहूर है। बिल्कुल, और बनकटवा का मिठाई चंपारण ही नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी तक जाता है। अभी लगन का सीजन चल रहा है और इनका दो दो क्विंटल मिठाई, दो दो डीप फ्रीजर, वो उसमें रखे हुए सामान बर्तन वगैरह, मेज कुर्सी टेबल ये सब चलेगा, और ये लोग जो है हैंड टू माउथ है, रोज कमा के रोज खाने वाले हैं। बाकी आग कितना बजे लगा था? आग लगा था 11:30 पे। मैंने कैसे आग लग गया? 11:00 से लग गया, ऊपर जो तार है उसके शॉर्टेज के वजह से लग गया। बाकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना भयानक है, यहाँ दिखाई ये घटना का 24 घंटा हो गया, ये चूल्हा भी बिल्कुल राख हो गया। थोड़ा इधर से आइए भाई, हम चाहेंगे कि इधर से आकर एक बार तस्वीर को आप दिखाइए। अभी भी यहाँ का तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये मिठाई का दुकान था और ये जली हुई मिठाई इस बात की गवाही दे रही है। इधर से आइए, ये जली हुई मिठाई इस बात की गवाही दे रही है। एक दो नहीं, यहाँ पे दिखाइए ढेर सारी मिठाई, यहाँ दिखाइए, ये पूरा का पूरा मिठाई और ये मिठाई का दुकान था और इसी दुकान में आग लगा। और 24 घंटा के बाद आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना भयानक था कि अब भी इस चूल्हा से धुआं निकल रहा है। ये तस्वीर देखिए, अब तक इस चूल्हा का आग खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मदद के लिए कोई आग तक नहीं आया और ना ही कोई इस गरीब का सुधि ले रहा है। क्या नाम है आपका? जी प्रेमचंद्र सर। क्या चीज का दुकान था? मिठाई का। यही आपका दुकान था? जी यही है। अच्छा, दुकान कैसे आग लग गया आपके दुकान में? बिजली से लगा हुआ है, बिजली सर्किट से। कहाँ तार कहाँ है बिजली का? बिजली का तार यहाँ गया हुआ है, बोलिए कि कल बिजली जब यहाँ था ना, यहाँ बहुत नजदीक में थे बिजली, लेकिन इन लोग चुरा कर कल 5 बजे इन लोग तान लिया हुआ है। जब आग लगने के बाद हम लोग पहले बोले थे 3 दिन पहले कि ये बिजली बहुत नजदीक है, एक हाथ घर से ऊपर है, इसको आप ऊपर कीजिए, तो बोला ना इसी से हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आग लग गया, माने कि आग लगा उसमें लापरवाही बिजली विभाग की है, बिजली विभाग की है। फोन करने से आता भी नहीं है वो लोग, लेकिन कल 5 बजे भोर में आकर के वो तान तून कर गए, इसी टाइम तक इससे पहले 1 घंटा पहले वो लोग चुरा कर चले गए, अपना दोष लोग खत्म कर, अपना दोष खत्म कर, तार ऊपर है। अच्छा, अब तक मदद के लिए कौन आ गया?
कोई नहीं आया है, डॉक्टर नसीम साहब आए हुए बस, डॉक्टर नसीम साहब हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बाकी तस्वीरें देख सकते हैं कितना भयावह है। हम लोग तीन तीन चार चार किस्ता उठा करके दुकान में लगाए हुए थे, अभी डीप फ्रिज किने थे 30,000 का, गुमती बुझिए कि 17-18,000 का किन कर रखे थे, बुझे कि नहीं, और सामान से किने थे, अब इसके पहले घर बनाए थे उसमें खर्चा किए थे, पूरा जल के बर्बाद हो गया। तीन किस्ता उठाकर काम किए थे हम, जानने अब तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, बहुत दिक्कत है। बाकी कल तक यहाँ पे दुकानें चलती थी लेकिन आज सारी दुकानें खत्म हो गई है। बिखरा हुआ मिठाई देख करके अंदाजा लगा सकता है कि कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। यह चूल्हा आपका दुकान था यहाँ पे जी? क्या चीज का दुकान? मिठाई का दुकान था सर। अच्छा, कैसे आग लग गया दुकान में? शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से। अच्छा, अभी मदद के लिए कौन आ गया है? अभी तो आए हैं डॉक्टर नसीम है। बाकी दूसरा कौन है जो मदद करने के लिए आया आपके पास? दूसरा कोई नहीं है, कल कर्मचारी आए थे यहाँ पे, ठीक है, तो बोले कि छानबीन होगा, उसके बाद में कोई नहीं आया, जाए डॉक्टर नसीम आया। अभी तक छानबीन हो ही रहा है जी, अभी तक हो रहा है। आप किसके लापरवाही से लगा है? बिजली विभाग के लापरवाही से लगा हुआ है। बिजली विभाग के लापरवाही से लगा हुआ है। कितना का सामान जला आपका? वही 2.5-3 लाख का जमा सामान जल गया। डीप फ्रीजर था बड़ा वाला, तीन काउंटर था, दो अलमारी था, 6-7 ब्रेंच था, 2-3 टेबुल था, और सामान था, बर्तन वर्तन था, मोटा मोटी लगभग 15-20 हजार का बर्तन था। खाली हम लोग एक दिन में 2.5-3 क्विंटल दूध खपाते हैं, ठीक है, खाली मिठाई का काम करते हैं हम लोग। प्रतिदिन मोटा मोटी लगभग 70-80 किलो 1 क्विंटल मिठाई बनता है, दिया जाता है। बिजली विभाग के एक छोटी सी लापरवाही के वजह से आपका लाखों का दुकान जल के बर्बाद हो गया जी। कितने दुकान में आग लगा था यहाँ पे? 9 के 9 दुकान पूरा जल कर राख हो गया है। 9 के 9 खत्म हो गया, 9 दुकान में से कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं रखा। लापरवाही किसकी इसमें सामने आई? बिजली विभाग की खाली है, बिजली विभाग की लापरवाही है। बाकी आप देख सकते हैं ये लोग जो है रो भी लग रहे हैं, इनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हम जैसे जैसे एक एक करके जिस जिस दुकान के पास जाएंगे वहां तक देखिए सामने तक कुछ भी नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार। क्या चीज का दुकान था आपका? मोटरसाइकिल रिपेयरिंग और स्पेयर पार्ट का। कितना का सामान बर्बाद हो गया आपका? 2,25,000 का। 2,25,000 का सामान खत्म हो गया जी। कैसे जल गया सब चीज? बिजली के लाइन से। बिजली के लाइन से 11,000 का तार है, वो शॉर्ट करा। कुछ मदद किया है कोई अभी तक? ना, कोई नहीं किया है, कोई मदद नहीं किया है। ये कहानी यहाँ का है। बाकी ये पूरे पूर्वी चंपारण जिला के बनकटवा का यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, जिसका सीधा तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सच में यहाँ पे जो आग लगा था बिल्कुल भयानक लगा था, और उस भयानक आग की चपेट में आने से एक एक करके 9 दुकानें जल करके राख हो गई, और सामने देख सकते हैं कि दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम है? अरविंद कुमार। आपका क्या दुकान था? खैनी का दुकान था। खैनी का दुकान था। आग लग के खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। कितना का सामान आपका नुकसान हुआ होगा? लगभग 1.5-2 लाख का सामान था। 1.5-2 लाख का सामान आपका भी जल गया। मदद कोई किया है कुछ? कोई नहीं किया है। सीओ साहब कुछ मदद किए हैं? कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। बाकी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि अब तो आग लगकर पूरा जल गया, ये चाहते हैं कि कुछ हम लोग का मुआवजा मिले, ताकि दुकान को फिर से खड़ा किया जाए। जी। बाकी अभी ये लोग संवेदनशीलता के साथ ही बात कर रहे हैं, और यहाँ दिखाइए, तो यहाँ दिखाइए, ये खैनी देख सकते हैं कि इसमें खैनी का दुकान चलता था। कल तक तो ये दुकान था जिससे एक परिवार का भरण पोषण होता था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा दुकान जो है जल के राख हो गया, खाक हो गया और बर्बाद हो गया। बाकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ अब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आया, ना तो सीओ साहब है, ना तो सांसद महोदय है, ना तो विधायक महोदय है, आए तो केवल डॉक्टर मंजर नसीम साहब है। बाकी देखना ही होगा कि यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी जो है क्या कुछ मदद करते हैं इन लोगों का, क्या कुछ राहत के लिए राशि दी जाती है, और कब तक इन गरीबों का दुकान एक बार फिर से खड़ा होता है, और कैसे ये लोग अपने कमा करके अपने घर को फिर से चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आगे इस मामले में जो कुछ भी नया अपडेट आएगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।